गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन फॉर वेज डैश प्रोजेक्शन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि वेज डैश क्या होता है, न्यूमैन क्या होता है, फिशर क्या होता है, अलग अलग टाइप के जो है प्रोजेक्शन हम लोगों ने डिस्कस करे थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये सारी क्लासेस जो चल रहे हैं ये हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। तो यहाँ पे हम जो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिस को अच्छे से समझने से पहले वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। तो आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे कि आप नाम सुनते हैं आर और एस, यानी हमें पता करना होता है कौन सा कंपाउंड आर है और कौन सा कंपाउंड एस, तो इनका पहले हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो आर का मतलब होता है रेक्टस और एस का मतलब होता है सिनिस्टर। मैंने लिख दिया है रेक्टस सिनिस्टर। तो रेक्टस मतलब होता है राइट, सिनिस्टर मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है, तो रेक्टस मतलब क्या होता है राइट, सिनिस्टर मतलब होता है लेफ्ट। वैसे तो राक्षस होता है सिनिस्टर का मतलब, पहले के जमाने में लोग जो है समझते थे कि जो लोग भी लेफ्टी होते हैं वो राक्षस हैं। ठीक है, इसलिए इसको लेफ्ट रख दिया गया है। तो हमें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, रेक्टस का मतलब राइट, सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या, जैसे कि आप ऐसे गए, दिस इज क्लॉकवाइज, अगर हम ऐसे जाएं इस मॉलिक्यूल के अंदर तो दैट विल बी क्लॉकवाइज, ये सब पता ही आपको, और अगर जाए ऐसे तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट करे मॉलिक्यूल में तो देन इट विल बी सेड एज रेक्टस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मॉलिक्यूल में हम रोटेट करे देन इट विल बी नोन एज सिनिस्टर। तो क्लियर है ये? अब ये क्या रोटेशन है, किस हिसाब से रोटेट करेंगे, यही हमको सीखना है। ठीक है, बाकी टर्म समझ जाइए पहले कि आर फॉर क्लॉकवाइज, एस फॉर एंटी क्लॉकवाइज, बीच का भी छोड़ दीजिए, आर फॉर क्लॉकवाइज एस फॉर एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, और वेज डैश जल्दी से समझ लेते हैं। वैसे लास्ट लेक्चर में आपने देखा है ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज वेज, और ये जो डैश है दिस इज डैश, डैश इज डैश, वेज इज वेज। तो वेज का क्या मतलब होता है, दैट इज अबव द प्लेन एंड डैश इज बिलो द प्लेन, एंड ये दो जो दिख रहे हैं आपको डंडियां दैट इज फॉर द सेम प्लेन। तो फोर बॉन्ड्स होते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, जिसमें से एक अबव द प्लेन होता है, दूसरा बिलो द प्लेन होता है, और ये दोनों सेम प्लेन होते हैं। तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, फिर ये भी डिस्कस हो चुका है सीआईपी रूल फॉर प्रायोरिटी ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स, और प्लीज इस पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। दिस इज कैन इन बोर्ड प्रीलॉग सिस्टम, ये कहां डिस्कस हुआ था, ई एंड जेड सिस्टम, मैंने अभी जल्दी ही लेक्चर बनाया है कैन इन गोल्ड प्री लॉग, ई एन जेड में जाइए, वहां पर भी यही रूल फॉलो होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां पे इस पे कराए गए, इसलिए गो एंड चेक इट आउट। ये नहीं आता होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो कैन इन गोल्ड प्री लॉग, ये तीन साइंटिस्ट के नाम है, इन्होंने प्रायोरिटी रूल डिसाइड किया था। जल्दी से बता देता हूँ कि प्रायोरिटी रूल्स में एटॉमिक नंबर मेजर है, अगर दो एटम्स या ग्रुप्स के एटॉमिक नंबर सेम हो जाते हैं तो फिर उनका मास नंबर देखते हैं, और बाकी छोटे छोटे और भी बातें थी जो कि समय सन को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो यू विल हैव टू चेक दैट लेक्चर। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि अभी तक आपने वो नहीं पढ़ा तो ये भी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, इसलिए ऑर्डर में आप आइसोमेरिस में जाके सारी चीजें पढ़िए। अब यहां पर देखिए, अब हम शुरू करते हैं कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे और क्या करेंगे और क्या सिस्टम है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस नहीं होना चाहिए, आर एन एस को पता करने के लिए हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डैश पे होना चाहिए। अभी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना है, जब हम आर एन एस डिसाइड करेंगे तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होना चाहिए, दैट शुड बी एट डैश डैश डैश, ये डैश लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश डैश डैश। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश में होगा तब आर एंड एस सिस्टम काम करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर नहीं है तो क्या, तो क्वेश्चन मार्क है, आगे बढ़ के अभी सीखेंगे कि अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप
नहीं है डैश पे तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें रोटेट करना पड़ता है मॉलिक्यूल, और वो आगे हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहले बेसिक सीखते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी सीख लेंगे। तो चलिए हम लोग असाइन करते हैं रूल। तो कार्बन से देखिए आप कौन से चार एटम्स यहाँ पर एडेड है, तो कार्बन में आयोडीन एडेड है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है और हाइड्रोजन। अब एटोमिक नंबर के बेसिस पे इनको प्रायोरिटी लिखिए, सबसे ज्यादा जिसका एटॉमिक नंबर उसको आप देंगे 1। तो किसका सबसे ज्यादा है, आयोडीन का सबसे ज्यादा, तो इसकी पोजीशन हो गई 1। अब देखिए ब्रोमीन का नंबर 2, तो ब्रोमीन, बिकॉज आयोडीन के बाद ब्रोमीन आता है, ठीक है। फिर कौन आता है, फ्लोरीन, क्लियर है। अब बताइए, और देखिए हाइड्रोजन तो फोर्थ है, ये तो हो ही गया, डैश पे फोर्थ होना चाहिए। अब इसको भूल जाओ, ये डैश वाले को भूल जाओ, और 1 2 3 की तरफ घूमो। देखो ऐसे नहीं जा सकते, 1 3 2, 1 2 3 आता है ना, 1 के बाद 2 के बाद 3, तो ऐसे जाइए 1 के बाद 2 के बाद 3। अब बताइए कैसे मूवमेंट हुआ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हुआ तो कौन सा फॉर्म हुआ, आर, ठीक, क्लियर है। अब मान लीजिए आप सोचते कि ऐसा ना हो कि अगर मान लीजिए ये ना होता और बी आर वहां चला जाता और एफ यहाँ आ जाता तो क्या होता, एफ बी आर, ठीक, ऐसा हो गया। तो देखिए बी आर 2 हो जाता और एफ क्या हो जाता, 3, तो ये क्या हो जाता, ये फिर एस फॉर्म हो जाता, क्लियर, समझ गए, खुद से करके देखिए, क्लियर है। अब देखिए क्या हो गया, ऐसे इसको हटाइए आप यहां से, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, ठीक, सिनिस्टर। अब देखिए, अब सेकेंड, अब आप खुद कर सकते हैं एग्जांपल, ठीक है, फिर से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। एच है डैश पे, लीस्ट एटॉमिक नंबर वाला शुड बी एट एच, तो वो है ये फोर्थ हो गया, क्लियर। अब कार्बन में आयोडीन देखिए फर्स्ट, फिर ब्रोमीन देखिए 2, फिर क्लोरीन देखिए 3, चलिए भाई 1 2 3 करते हैं, 1 2 3, ये क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक घड़ी तो ऐसे चलती है ना, ठीक, ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, एस, ठीक है, हो गया ये। आइए अब इस ग्रुप में देखते हैं, अब देखिए तो एच तो है फोर्थ में, क्योंकि ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये तो आगे सीखेंगे, तो वाला केस अभी ले ही नहीं रहे, सबसे बेसिक केस ये फोर्थ हो गया। अब कार्बन में देखिए कौन कौन जुड़ा है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी ऑक्सीजन, तो कार्बन की सबसे पहले एटॉमिक नंबर आता है कि ऑक्सीजन का, तो पहले हाईएस्ट एटॉमिक नंबर यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया। अब देखिए कार्बन कार्बन दोनों ही है, फिर हम देखते हैं कि कार्बन की सेना में 3 H है, ठीक, और इसकी सेना में 2 Cl 1 H, तो ये अपनी सेना से, आर्मी से जो सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है उसको लड़ाई के लिए बाहर लाएगा, तो ये लाया H, ये अपनी सेना से जो सबसे बड़ा है उसको लाएगा Cl, तो बताइए एटॉमिक नंबर में कौन जीतेगा, Cl या H, तो Cl जीत गया, ठीक, तो Cl विन कर गया, इस कारण से ये वाला कार्बन की प्रायोरिटी हो गई 2 और इस कार्बन की प्रायोरिटी हो गई 3, ऑक्सीजन तो पहले ही जीत गया था बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट था। अब 1 2 3 कर दीजिए आप, ये 1 2 3, ये भी क्या हो गया, S, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। चलिए इधर देखते हैं, यहां क्या है, T क्या है, T है ट्रिटियम एंड दिस इज ड्यूटेरियम और दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोरीन, तो ये क्या है, ये जब देखिए ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, तो आइसोटोप्स में जिसका मास ज्यादा होता है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी ली जाती है, जैसे मैं अभी बताया कि कैन एंड गोल्ड प्रीलॉक सिस्टम में ऐसा होता है, ठीक। अब देखिए सबसे बड़ा कौन, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो सबसे बड़ा कौन, 1, ट्रिटियम का मास 3 होता है इसलिए वो 2 पे आ गया, और ड्यूटेरियम का मास होता है 3 तो इसलिए ये आ गया, और हाइड्रोजन तो 4th है ही है, इसका मास 1 होता है, तो 1 2 3 करते हैं हम लोग, 1 2 3, ये भी एस, सारे ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसमें कोई चेंज कर दीजिए आप, जिससे थोड़ा आर भी आ जाए, ठीक,
तो इसको सीएल को अगर हम इधर भेज दें और टी को हम इधर भेज दें, प्रायोरिटी चेंज करते फटाफट, ठीक। नंबर वन कौन सीएल, नंबर टू कौन ट्रिटियम, और ड्यूटेरियम का नंबर थ्री। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 1 2 3 ऐसे, ठीक, ऐसे ऑर्डर हो गया ऐसे। दिस इज क्या क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया आर सिस्टम, ठीक। तो आपने सीख लिया ये बात कि कैसे हम लोगों ने आरएस किया, जब हमारा लीस्ट प्रायोरिटी डैश पे था। अगर लीस्ट प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो वो वाले क्वेश्चन अब हम लोग आगे देखते हैं, तब तक आप इसे नोट करिए। अब ये सारे प्रॉब्लम्स आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं जब एलपीजी डैश पे नहीं होता है, एलपीजी लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, अभी क्या बोला था, जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है उसको डैश पे होना चाहिए। अब वो सिचुएशन याद है, पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क मारा था कि जब वो डैश पे नहीं होता तो क्वेश्चन मार्क, अब वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यहाँ पर, ठीक। व्हेन एलपीजी नॉट एट डैश, जब एलपीजी डैश पे नहीं है तो क्या करते हैं, तो देखिए कुछ एक्सचेंज करके हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक एटम से एक्सचेंज करके काइरल रहना चाहिए मॉलिक्यूल, ठीक है। एक तो क्लियर ही है आरएस कॉन्फ़िगरेशन है, सब देखने हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री है तो काइरल सेंटर वहां पर होना चाहिए, ठीक। एट वन काइरल, अगर एक काइरल का मॉलिक्यूल है तो ऑड एक्सचेंज अगर हम करते हैं, एक्सचेंज करके हमको अपना जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको डैश में लाना होगा, अगर वो पहले से डैश में नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। मान लीजिए आपने एट वन काइरल करके, मतलब वन काइरल जिसमें एटम है अभी देखेंगे, ऑड एक्सचेंज किया और आपका आ गया आर, तो अगर आया है आर तो कर दीजिए एस, अगर आया है एस तो कर दीजिए आर, ठीक, क्लियर। और अगर आपका एक काइरल का एटम है, कार्बन है, और उसमें आपको करने पड़ते हैं इवन एक्सचेंज, तो फिर ऑब्वियसली देयर विल बी नो चेंज, द कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम, यानी आर है तो आर रहेगा और एस है तो एस रहेगा। अब कैसे करते हैं एक्सचेंज, यही सीखना है हमको। अब ये यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, अब यही सी एग्जांपल में हम लोग सीखेंगे, क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं हम लोग, तो भाई बताइए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है यहाँ पर, ब्रोमीन का, तो नंबर वन मिल गया ब्रोमीन को, नंबर टू कौन है यहाँ पर क्लोरीन, और नंबर थ्री कौन है यहाँ पर फ्लोरीन, नोट कर लीजिएगा, इसी पे मैं एक्सचेंज कर दूंगा, इसलिए पहले आप मॉलिक्यूल को नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी लेकर बैठा करिए, ठीक है, जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको नहीं आएगा, रिवाइज भी करना होता है। तो 1 2 3 एंड दिस इज फोर्थ, लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा फोर्थ ग्रुप है वो हाइड्रोजन है, लेकिन वो डैश पोजीशन पे ना होकर वो कहाँ है, वेज पोजीशन पर। तो अब इसको हमें डैश पे ले जाना है, तो हम क्या करें, हम यहाँ पर एक एक्सचेंज कर देंगे, जो डैश पे रहेगा हमेशा उससे इसको एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए फ्लोरीन को उठा के इधर लगा देंगे और हाइड्रोजन को लगा के इधर, तो मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, आपके पास ये मॉलिक्यूल पहले से लिखा होना चाहिए, ठीक। तो मैंने फ्लोरीन उठाया और यहाँ किया हाइड्रोजन, और फोर्थ प्रायोरिटी आ गई इसकी, और फ्लोरीन गया इधर और उसकी प्रायोरिटी थी थ्री, तो ये हो गया थ्री, बस इतना करना है, ठीक। अब देखिए बिल्कुल, देखिए केमिस्ट्री बिल्कुल इजी होती है, ठीक है, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको आएगी, ठीक है, आप कम पढ़ेंगे आपको कम आएगी, पेपर भी इजी आता है, जेई मेंस का और नीट का और केमिस्ट्री का पेपर इज इजी, आपको आना चाहिए बस चीजें। अब देखिए प्रायोरिटी डिसाइड हो गई, हाइड्रोजन पहुंच गया है जहां उसको जाना चाहिए था, अब आप 1 2 3 कर दीजिए, 1 2 3 दिस इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को लिख देते आर, लेकिन कितने करे एक्सचेंज हमने, कितने करे एक्सचेंज, वन, तो क्या लिखा है कॉन्फ़िगरेशन चेंज, तो बोलो आर मन में लिखो एस, ठीक है, बोलो मन में आर लिखो एस, बिकॉज देयर आर ऑड एक्सचेंज, ठीक। तो हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम डन, सेकंड प्रॉब्लम आप खुद से करिए। अब फिर से वही बात, पहले 1 2 3 4 कर लीजिए, 1 आयोडीन नंबर 1, नंबर 2 ब्रोमीन,
नंबर थ्री क्लोरीन एंड नंबर फोर हाइड्रोजन। अब किसके साथ एक्सचेंज मारेंगे आप? ब्रोमीन, यानी ये बन जाएगा फोर्थ और ये बन जाएगा टू। तो पहले लिख लेते हैं टू, इसको लिख लेते हैं फोर्थ, यहां कर दीजिए हाइड्रोजन, यहां कर दीजिए ब्रोमीन, फोर और टू करते हैं रब, टक 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 टक, ठीक ये हो गया फोर, फोर ठीक। अब क्या करेंगे आप? वन टू थ्री, वन टू थ्री, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, लिखा एस बदल दिया बिकॉज वन एक्सचेंज कॉन्फ़िगरेशन चेंज, दिस इज आर, बस इतना आसान, ठीक है। चलिए आ जाइए यहां पर, अरे ये तो पहले से ही है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पहले से ही हाइड्रोजन डैश पोजीशन में, अब मत चेंज कर दीजिएगा इसको, किसी ने चेंज तो नहीं कर दिया, ठीक, तो ये यहीं पर है, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं। अरे दो हाइड्रोजन है, देखिए आपने दो हाइड्रोजन है, इसका आर एस एक्सचेंज, इसका जो आर एस कन्फिग्रेशन ही नहीं लिख सकते, ठीक, तो जबरदस्ती इसको कोई नाम मत दे दीजिएगा कि वन टू थ्री कर दो, इसीलिए मैंने दिया कि वन लिखा तुमने, इसको लिखा टू और इसको लिखा थ्री और कर दिया वन टू थ्री, नहीं भाई काइरल होना चाहिए, लिखा है देखिए काइरल, वैसे काइरल में ही आर एस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, तो क्रॉस मारिए, इसका नो सोल्यूशन, इसका आंसर क्या, देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक। अब इधर आइए, इधर देखिए प्रायोरिटी डिसाइड करिए, नंबर वन ब्रोमीन, नंबर टू क्लोरीन, नंबर थ्री कार्बन एंड नंबर फोर हाइड्रोजन। तो हमेशा मैंने क्या बोला आपको, डैश वाले को वैसे एक्सचेंज कर दिया करिए, तो यहां पहुंचा दीजिए ब्रोमीन, ब्रोमीन था नंबर वन, ये बन गया ब्रोमीन नंबर वन, एंड दिस वाज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन था हमारा नंबर फोर। अब कर दीजिए वन टू थ्री, दिस इज वन टू थ्री, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एस लिखना क्या है आर, बिकॉज वन एक्सचेंज हुआ। तो आप कहेंगे इवेंट तो आएगा ही नहीं, यही तो बात है, ठीक है। अब आइए, तो कार्बन, ये सब बातें आपको सोचनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, ये पढ़ाई है, ये आपको सोचना है कि हम एनालिसिस वगैरह, ठीक है, एनालिसिस जितना दिमाग आपका चलेगा उतना आपके लिए अच्छा है, कुछ चीजें आपके लिए छोड़ दी जाती, सोचिए कभी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि तो मैं एक ही एक्सचेंज से प्रॉब्लम करूंगा, अब आपको सोचना क्या कभी ऐसा होगा, ठीक। डैश कहां गया, चलिए डैश ये है, ठीक, तो सी एच ओ डैश है, सबसे पहले नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन तो पक्का, ये क्या है, आयोडीन है, ओके ओके ओके, दिस इज आयोडीन, दिस इज नंबर वन, ठीक। अब चलिए देखते हैं, अब नंबर, अब सब कार्बन है, अब कार्बन के बाद मैंने क्या कहा, आपने अपनी टीम लाइए, कार्बन भी ऑक्सीजन लेके चला आया, ये भी ऑक्सीजन लेके चला आया, ठीक, चलिए करते हैं इसको सी ओ सी एच ओ है ना, तो सी ओ ओ एच, और मैंने बताया था कि जब दो आप करेंगे तो कार्बन से भी इसका दो जुड़ा है, तो इस तरीके से जोड़ देंगे। अब ये थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है, इसको चेंज करिए आप, सी ओ ओ एच, ओ ओ एक और ओ एक एच और सी डबल बॉन्ड होता तो एक ऑक्सीजन से दो कार्बन जुड़ने चाहिए, ये सिचुएशन यहाँ पे अराइज हुई है, ठीक है, ये एच है एंड दिस इज एच एंड दिस इज एच, ठीक। अब चलिए, सबसे पहले वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं मिला, वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं मिला, तो कार्बन कार्बन कार्बन, फिर आप सेकेंड पॉइंट ऑफ, या देखिए ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको लिखिए इसके साथ कौन कौन सी टीम है, ओ ओ, ठीक है, ओ ओ हाइड्रोजन ऐसे लिख दीजिए, इसकी टीम में देखिए कौन कौन है, ओ ओ ओ तीन ऑक्सीजन, इसकी टीम में देखिए कौन है, एच एच एच, अब देखिए ओ जीता ओ जीता
and H hara till last. This is fourth. CH3 वाला लास्ट हो गया, अब हार गया, फट आउट टीम से। अब इन दोनों ऑक्सीजन में देखिए, इसके पास दो ऑक्सीजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास तीन ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक नंबर ज्यादा होंगे तो इसकी प्रायोरिटी सेकेंड और इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट रहे। इसमें तीन ऑक्सीजन थे ना, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट और इसकी प्रायोरिटी सेकेंड, क्लियर। अब देख लीजिए, अब देखिए लीस्ट ग्रुप जो है वो यहाँ प्लेन में पड़ा हुआ है, उसको हमें कहाँ पहुंचाना है, डैश में, यानी यहां पर। तो अब मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे फोर लिख दूंगा, ठीक है, आपको भी नहीं करना चाहिए सब, और यहां पर कर दूंगा टू। अब बस वन टू थ्री देख के कर लीजिए क्वेश्चन। तो वन टू थ्री, दिस इज सिनिस्टर, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वन एक्सचेंज हुआ है इसलिए आर। तो देखा भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कैन ये जो सीआईपी रूल है उसके हिसाब से ये किया गया, ठीक है। तो अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो यू विल हैव टू वॉच द लेक्चर, ये एनजेड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये हो गए सारे, अब आते हैं, दो काइरल सेंटर हो तो क्या करें। तो दो काइरल सेंटर हो तो कोई टेंशन की बात नहीं, एक एक काइरल सेंटर का करिए आप, ठीक है। बाकी फिर आगे हम लोग देखेंगे, अगर दो आर होंगे, दो एस होंगे, एक आर होगा, एक एस होगा, तो उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज में क्या यूज है, कैसे पता करते हैं हम। लेकिन उससे पहले एटलीस्ट आर एंड एस तो निकालना आना चाहिए हमको, तब तो हम आगे, अगर हमें ए बी सी डी नहीं आएगी तो कैसे हम ग्रामर के करेक्शन वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, समझ गया बात। तो रूल्स पहले आने चाहिए, सब छोटी छोटी बातें हैं जो पहले सीख लेना है, उसके बाद ही एक्सपर्ट बन सकते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज में। चलिए देखते हैं, इसमें आइए आप, इसमें पहले प्रायोरिटी करते, तो चार देखिए ग्रुप होने चाहिए, वन टू थ्री एंड फोर्थ, क्लियर है। तो चलिए नंबर वन, ये कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से, आयोडीन से, तो ये नंबर वन पोजीशन हो गई। अब इस कार्बन को देखिए और इस कार्बन को देखिए, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी ऑब्वियसली, इसके साथ ऑक्स क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो नंबर टू हो गया, और इस कार्बन के पास नंबर थ्री हो गया, एंड दिस इज नंबर फोर। तो हाइड्रोजन को डैश पहुंचाना है, ये इधर और ये इधर एक्सचेंज हो गया, दिस इज वन, इसको करो रब, इसको कर दो फोर्थ नंबर से केवल करो, ठीक है। अब वन टू थ्री इसको मत देखो, ठीक है, और ऐसे करो वन टू थ्री, फोर्थ वाले को लेते ही नहीं फिर आप, वन टू थ्री क्या है बताओ ये, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एस, तो एस एक चेंज हुआ, तो एक चेंज में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, इसलिए दिस इज आर। अब इसी तरीके से दूसरे वाले को करो, ठीक है, जो एक्सचेंज किया उसको नहीं रखना है, अब इसको फिर हटा दो यहां से, कुछ एक्सचेंज इधर नहीं करना है। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, सो ये कार्बन है, रहने दो इसको, Cl है, O है, तो Cl का नंबर वन, O का नंबर टू, नंबर थ्री फ्लोरीन का, फिर उसके बाद आता है कार्बन नंबर फोर। अब देखो फोर कौन है, ये, तो ये पूरा ग्रुप यहां हो जाएगा ये वाले जगह पर, तो ये इसको कर देंगे फोर और इसको कर देंगे वन। तो देखिए वन टू थ्री करिए आप, वन टू थ्री आर, तो ये क्या बन गया, एस, तो ये बन गया आपका आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला आर और ये वाला एस। आई होप यू एंजॉयड दिस, और आपको अच्छा लगा आर एस कॉन्फ़िगरेशन को सीख के वेज डैश सिस्टम के लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन फॉर फिशर प्रोजेक्शन, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच।